हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में। और टाइम हो रहा है मतलब 6:40 होने वाले हैं। आप लोग सोचोगे इतनी लेट, तो इतनी लेट नहीं, स्टार्टिंग में डांस कर रहे थे और वो सब आपको मैं क्लिप्स बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले अभी हम साईं बाबा के मंदिर जाएंगे। तो कुछ कहना चाहेंगे आप, क्यों जा रहे हैं हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज थर्सडे है, पर आप लोग ये वीडियो फ्राइडे को देखोगे ऑब्वियसली, आई मीन कल पर। लेकिन आज हमें लकीली साईं बाबा का मंदिर पास में ही मिल गया है और हम हर थर्सडे को ट्राई करते हैं कि साईं बाबा के दर्शन हो जाए, तो फाइनली आज हो जाएंगे। तो अब इसलिए हम साईं बाबा के मंदिर जा रहे हैं, तो चलते हैं। रास्ते में दिखाएंगे रोड कैसी है कुछ ना कुछ तो दिखाते ही चलेंगे। चलो मंदिर चले। एक चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, प्रॉपर साईं बाबा जी का मंदिर नहीं था ना, टोटली सारे भगवान जी के थे, तो सबसे आशीर्वाद ले लिया। अब हम चलते हैं और आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, रुको। तो आपको मैं कुछ बताने वाला था ना, तो वही है, रिश्का को आज गिफ्ट मिला है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें गिफ्ट है रिश्का का, तो इसको एक बार खोल के देखते हैं जल्दी से। ये रहा, वाह, ओके। तो टी शर्ट्स हैं इसमें और चॉकलेट। अच्छा, 3 दिन से ये चॉकलेट। अच्छा, मैं इसकी स्टोरी आपको बताता हूँ, क्या स्टोरी है इसकी, देखो। तो सोनू नाम का एक स्टूडेंट आता है, वो रिश्का को गिफ्ट दे रहा था, मतलब टीचिंग करती है तो टीचर के उससे। तो चॉकलेट 3 दिन से, मतलब 3 दिन से वो पैक था, वो शर्मा जाता, नहीं देता। तो आज क्रू वालों ने दिया है कि वो सोनू लाया था और आपको देने के लिए, तो शर्मा था तो दे नहीं रहा। तो ये टी शर्ट है इसके अंदर, आप ये देख सकते हो, 2 कलर की और चॉकलेट। तो आज हम देखेंगे, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ ना यार जब भी ये टिफिन आता है, तभी देखते हैं कि इसमें है क्या, आज क्या आया है। थोड़ा ध्यान से, ओह, आलू की सब्ज़ी तो रहती ही रहती है इनकी, वो है मेन। ये कौन सी सब्ज़ी है, चेक करना पड़ेगा, प्याज व्याज है इसमें। और आज उससे नीचे, ओ खाली, ये देखते हैं कौन सी सब्ज़ी, कढ़ी टाइप लग रही है कुछ। और इसमें रोटी, वाओ। तो खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। वैसे खाने से एक बात याद आई मेरे को कि काफ़ी ज़्यादा सही हो गया, कि मतलब जैसे हम, हमारे लिए दही आती है तो वो वेस्ट हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं वो या फेंकनी पड़ती है या कुछ भी। तो फाइनली हमारे पास फ्रिज आ चुका है, ये रहा। और अब मैं खुश हूँ क्योंकि अभी हम मस्त चिल, वरना वो बेचारों के पैसे लग रहे थे पहले, वो ठंडी ठंडी पानी की बोतल लाया करते हैं, अब फ्रिज आ गया तो फ्रिज में ठंडे पानी की हो जाएगा, तो सही एकदम मस्त हो गए। हल्के फुल्के शॉर्ट्स दिखा देते, पर आज आपको प्रॉपर मैं शॉर्ट्स दिखाऊँगा डांस के। तो हम एकेडमी जाएंगे आज, और वहाँ जाएंगे, मतलब मैं अभी हूँ ही उधर, तो आपको यहाँ की क्लिप्स दिखाता हूँ और आप इंजॉय करो और लाइक करो। क्या होता है वेव्स, क्या होते हैं बेली में, शिमी क्या होता है। अब शिमी को हम 3 नाम से बोलते हैं, शिमी, शिवर और वाइब्रेशंस।
कैसा लिखे ठीक है 1 2 3 हाँ स्टार्ट कुछ अलग नहीं, नॉर्मल वे में ही दिखाया है एकेडमी का कि मतलब क्लासेस चलती है ना, कोई म्यूजिक जोड़ के ना कुछ सिनेमैटिक अलग ढंग से दिखा के ना ग्रेडिंग करके, नॉर्मली आपको दिखाया है कि ऐसे चलता है। और सिर्फ रिश्का वे इसलिए क्योंकि वही शॉट लिए थे कल हमने, क्योंकि मैंने कल सिखाया नहीं था तो वही चीज़ आपको दिखाई है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो डेली व्लॉग्स आते हैं तो कुछ नया करने की हम कोशिश करेंगे, जल्दी कहीं जाएंगे घूमने या कुछ है। बाकी संडे का प्रोग्राम बन रखा है और तभी तो निकल रहे थे, संडे को लेके चलते हैं, बहुत अच्छी लगेगी।